Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है। ये हमारा जो शो है वो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट को कैसे आसानी से एनालाइज करते हैं और ट्रेड करते हैं यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। 5 साल से ये लगातार शो चल रहा है और अभी तक 250 एपिसोड हो चुके हैं नॉनस्टॉप, और उसमें बेसिक एडवांस टेक्निकल माइंडसेट बहुत कुछ कवर किया गया है। और आज फिर से हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट कहाँ पहुंचा है और क्या कर रहा है, और क्यों हमने लास्ट वीक बोला था कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे ट्रेड तो आप एंटर तो अच्छे से कर लेते हो लेकिन एग्जिट में प्रॉब्लम होता है, या तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या तो पूरा प्रॉफिट गवा देते हैं और लॉस में बुक करते हैं। और अगर आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है चैट्स में कमेंट्स में मुझे बताइए। तो लेट्स गो एंड चेक कि आज एग्जिट के बारे में कुछ शेयर करता हूं कि कैसे सही टाइम पे एग्जिट करना चाहिए हमको, ताकि हम हमारा प्रॉफिट में नुकसान ना हो ना ही ज्यादा बड़ा नुकसान हो। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। राइट, और आज इंडिपेंडेंस डे है, आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयां। और 15 अगस्त, और रियल इंडिपेंडेंस कब होगा, जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। फाइनेंशियली फ्री मतलब पैसे के बारे में, जब मेरी पास एक इनकम हो जाए जो चलती रहे और पैसा पैसा को बनाए। मतलब ऐसा नहीं कि रोज स्क्रीन पे बैठ के 6 घंटा ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो आपको मजदूरी कर रहे हो। लेकिन जब ऐसा ट्रेड हो जब पैसा बनते जाए और सामने आपको रिटर्न भी मिलते जाए और आप अपना काम कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, अपना प्रोफेशन कर रहे हो और कोई टेंशन नहीं है, तब जाके आपको फ्रीडम मिलता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव। सो से नीचे कमेंट में बताएं आई वांट फ्रीडम, सारे चैट्स मुझे बताइए। और ये वीडियो को और भी जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। राइट, अगर आप खाली लास्ट 2 महीने के ट्यूसडे टेक्निकल टॉक और वीकली मार्केट अपडेट देखोगे जितने भी है, 2 महीने का अगर लास्ट 8 एपिसोड ट्यूसडे टेक्निकल टॉक और 8 एपिसोड वीकली मार्केट अपडेट, तो मैं के साथ बताता हूँ कि आपका मार्केट देखने का, ट्रेडिंग करने का और टेक्निकल एनालिसिस का और पैसा बनाने का व्यू चेंज हो जाएगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस। इस छुट्टी जो छुट्टी आती है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सको। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी जो काफी टाइम के बाद मूविंग एवरेज के नीचे गया है और काफी टाइम के बाद उसने ये सपोर्ट को तोड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझे। चलिए मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर को ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं निफ्टी में कैसे रिवर्सल, कैसे साइंस मिलती है, धीरे धीरे करके हम समझते हैं कि क्या मार्केट बता रहा है और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो निफ्टी है, पहली बार जब उसने 60 को क्रॉस किया वो था RSI, यहाँ पे 60 को क्रॉस किया, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से उसने 60 को क्रॉस किया और फिर लगातार वो 60 के ऊपर था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो मूविंग एवरेज के भी ऊपर था, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो कभी भी कोई भी करेक्शन में उसने मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। राइट, तो दैट इज द फर्स्ट साइन के मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। राइट, यहाँ पे भी एक लास्ट चांस मिला था जो आप मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो आप देख रहे हो कि सारा मूविंग एवरेज के ऊपर और सारा 60 के ऊपर। जब उसने पहली बार मूविंग एवरेज को तोड़ा और वो कौन सा दिन था, 2 अगस्त, और पता है 2 अगस्त को मैंने जब कुछ वीडियो भी किया था तभी मैंने बताया भी था कि मैंने अपनी सारी पोजिशन जीरो कर दी। अब क्या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है या इतना कन्विक्शन है कि मैं जो करोड़ों की पोजीशन खड़ा लेके खड़ा हूं, और भी 4 महीने से 5 महीने से, मेरा अपोलो का ट्रेड 4 से 6 महीना चला, PFC का ट्रेड 3 महीना चला, एक्साइड का ट्रेड चला, REC का ट्रेड चला, और एक झटके में मैंने पूरी पोजीशंस को क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे दिख रहा है, अपना काम टेक्निकल एनालिस्ट क्या है, पैटर्न को देखना। राइट, पैटर्न क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है, 60 के ऊपर है और मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब क्या हुआ, पैटर्न बदल गया, मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। राइट, और 60 को भी तोड़ दिया, तो मैंने बोला कि मेरा जो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं बुक कर। राइट, अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बेच दिया सारी पोजीशंस, उसके बाद अपोलो टायर नीचे आ गया, REC ऊपर चला गया, PFC वहीं पे चल रहा है, वो सब मतलब नहीं है जब तक मेरे को मार्केट, सबसे पहले हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, तो क्या करते हैं, मार्केट, सेक्टर और स्टॉक। मार्केट 40%, सेक्टर 40%, स्टॉक 20%, 40-40-20। अब मेरा पैसा क्यों बन रहा था, क्योंकि मार्केट का फोर्स भी था,
40%, सेक्टर का फोर्स भी था और स्टॉक का फोर्स भी था, तो 100%। अब एक 40% निकल गया मेरे फोर्स में से, तो मैं ऑलरेडी वीक हो चुका हूं, तो मैं सारी पोजीशंस एग्जिट कर रहा हूं। अब उसमें से कुछ स्टॉक नीचे गए, कुछ ऊपर गए, लेकिन अल्टीमेटली सब नीचे आ गए। और आप दूसरा साइन, ये पहला एग्जिट का साइन था, और दूसरा इसमें प्रॉब्लम वाला काम क्या था, ये वॉल्यूम, ये भी बड़ा है, तो बड़ा रेड कैंडल मूविंग एवरेज को तोड़ता है, 60 को तोड़ता है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, मतलब सेलिंग प्रेशर है। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस ऊपर गया, तो मूविंग एवरेज जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो और कंफर्म हो गया। तो मैं तो सोच रहा था कि कुछ खरीदूं, लेकिन अभी बोला मेरे को कुछ नहीं खरीदना है, क्योंकि ये तो करेक्शन मोड में चला गया है। अब करेक्शन कहां तक जाएगा, कितना जाएगा, किसको पता। अब मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है 4 महीने में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब मेरे को शांति से वेट करना है कि कब मैं फिर से हाथ मारूं इसमें, जब मेरा पोजीशन और मेरा सिस्टम बराबर से, प्रोसेस बराबर से, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट। सो बिगेस्ट लेसन, आई होप यू गाइस आर लर्निंग दिस, दिस इज अल्टीमेट 10x लेवल स्टफ व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, मेक श्योर यू आर वॉचिंग माई चैनल, अगले कुछ दिनों में आ जाएगी। और एक बड़ा पड़ाव पार किया है हमने मलकानजियो में, और बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम सेलिब्रेट करेंगे, और उसके उससे सबका फायदा होगा, सारे फैंस, फॉलोअर्स और सबका फायदा होगा। सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो ये था ये जो चार्ट देख रहे हो, वीकली डेली चार्ट, इस पे आपको करेक्शन दिख रहा है। अब उससे भी खराब, मतलब उससे भी वीक चार्ट था बैंक निफ्टी का, जो मुझे और टेंशन दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो बैंक निफ्टी ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट सेक्टर, तो यहाँ पे तो सब ठीक है, 60 के ऊपर सपोर्ट और एक छोटा सा करेक्शन आ गया, लेकिन तुरंत बाउंस बैक हो गया तो बच गए। बट अभी जो हो रहा है वहां पे बैंक निफ्टी में, वहां पे उसने भी 60 को तोड़ा, 60 को तोड़ा, फिर यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हुआ छोटा सा, और यहाँ पे वो मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है। अब अभी जो आज उसने किया मंडे को, वो है, ट्यूजडे छुट्टी है, मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो ये नीचे वाले बैंड को टच कर दिया उसने और 40 को तोड़ दिया, बहुत गलत हो गया। 40 मतलब क्या, बेरिश टेरिटरी में चला गया, मतलब ये करेक्शन थोड़ा सा लंबा चल सकता है। और मूविंग वीकली का चार्ट मूविंग एवरेज पे आ चुका है और वीकली 60 के नीचे जा रहा है, मतलब ये करेक्शन लंबा हो सकता है। एक चीज जो अभी भी हो सकती है वो है चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी मतलब क्या, कि पिछला वाला सपोर्ट, मैं ये सब एरोस को निकाल दूं, पिछला वाला सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो आप देखोगे कि ये जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम कर सकता है, तो एक अच्छा सपोर्ट बनता है। अब अगर यहां से मार्केट टर्न मारेगा तो राइट, नहीं तो नहीं, नीचे आ गया तो फिर ये वापस करेक्शन मोड में चल रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी। अब जब मैंने स्टॉक बेचे उसके भी आपको बता दूं एग्जिट के रीजंस थे। अपोलो टायर, आपने मेरा वीडियो देखा होगा 8 फिगर ट्रेड वाला, अगर नहीं देखा तो फिर से देख लो। वहां पे मुझे साइन मिला जब मैंने 2 अगस्त को बेचा था, और तभी भाव था यहाँ पे कहीं पे, ये वाले कैंडल पे, 2 अगस्त कहाँ पे है, हाँ ये रेड कैंडल पे, यहाँ पे मैंने बेचा, और उसके बाद तो और भी नीचे चला गया, तो उसका कोई अफसोस नहीं है। ये तो और नीचे, और बड़े वॉल्यूम के साथ 40 को भी तोड़ दिया उसने, GFS भी नहीं किया, ग्रैंडफादर फादर से। और दूसरा मेरा था PFC, वो काफ़ी स्टेडी है अभी भी, बट मेरा एग्जिट 2 अगस्त को हुआ था, उसके बाद और एक हाई बनाया, अभी साइडवेज हो गया। और तीसरा था REC, जो कम क्वांटिटी में था बट उसमें अच्छा ट्रेड कम टाइम में बन गया, क्योंकि उसका ब्रेकआउट बहुत लेट हुआ था, उसके वीडियो भी मैंने बनाया 8 फिगर वाले, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने बेचा 2 अगस्त को, जो ऑलमोस्ट 195-193 में, और वहाँ से वो 225-26 हो गया। अब वहाँ पे भी बेरिश कैंडल्स बन रहे, करेक्शन मोड हो सकता है, बट अभी भी ये स्ट्रांग है। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो 2-3 दिन का लो स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप REC PFC में पैसा बनाया नीचे, जो मैं 3 महीने से बता रहा हूँ, तो नीचे कमेंट्स में बताए। तो ये था पूरा एग्जिट स्ट्रैटेजी, और कैसे छोटे छोटे सिग्नल मिलते हैं। जब मार्केट, सेक्टर और स्टॉक तीनों साथ में होते तब मेरा पूरा पोजिशन होगा। जब मार्केट का साथ निकल जाए तो मैं पोजीशंस कम कर दूंगा या निकाल दूंगा, फ्यूचर वाली निकाल दूंगा, कैश वाली अभी भी है। जब सेक्टर का साथ भी निकल जाए तो मेरे को फिर खाली करना पड़ेगा। ये अल्टीमेट सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको एग्जिट में काम आएगी, और मेरा एग्जिट स्ट्रैटेजी का एक अलग से वीडियो है कि कौन से तरह के एग्जिट होते हैं। अब बाय द वे, सबसे एक बड़ा गुड न्यूज जो आपको अभी तक शायद पता नहीं होगा या पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने एक फ्री सपोर्ट चालू किया है
फेसबुक पे, जो जहाँ पे कप स्ट्रैटेजीज को मैं सिखाता हूँ पूरे टाइम, और वो आप देख सकते हो फ्री में। और ग्रुप्स में जाओगे और ग्रुप्स में आपको दिखेगा कि मेरा एक ग्रुप है जिसका नाम है 10x ग्रोथ चैलेंज, और यहाँ पे सर्च में डालना पड़ेगा इतना सारा, हाँ 10x ग्रोथ चैलेंज, और जहाँ पे आपको एक महीने का पूरा सपोर्ट फ्री में मिल रहा है, कप स्पेशल। और आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फीचर्ड मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको कप, फिर उसके नीचे हम लोग कप स्पेशल वीडियो, एक महीने का फ्री सपोर्ट। ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है 10x ग्रोथ चैलेंज, जहाँ पे कप और GFS पे लगातार सपोर्ट मिल रहा है हमारी टीम के, हमारी टीम की ओर से। और आपको दिखेंगे कि जितने भी कप है, जितने भी GFS है, सारे यहाँ पे पोस्टिंग होता है। देखो यहाँ पे हमारी टीम पोस्ट कर रही, यहाँ पे खाली हम ही पोस्ट करते ताकि आपको वन साइडेड सपोर्ट मिले। ITC में GFS था, फिर फेलियर हो गया, सक्सेस हुआ, टारगेट अचीव हुआ, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ये एक्सक्लूसिव कप एंड GFS सपोर्ट के लिए। यहाँ पे 30,000 लोग है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आपको खाली ज्वाइन करना है ताकि आप पूरा सपोर्ट फ्री में पा सको, राइट। और बड़ी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जहां पे मैंने अपना पूरा एग्जिट स्ट्रैटेजी समझाया आपको, अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक है जो ऊपर जा रहे हैं लेकिन निफ्टी करेक्शन में चला गया है, तो मुझे अपनी गियर, मेरी गाड़ी जो फिफ्थ गियर में चल रही थी उसको सेकंड गियर में डाल दिया। अब फिर से जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, फिर से जब मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा, मैं फिर से गाड़ी को तेज करूंगा। मतलब आपको ये समझना चाहिए सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस मतलब जब सीजन आता है, ट्रेंडिंग सीजन है अपना, ट्रेंडिंग में बड़ा पैसा बना लिया, फिर ट्रेंडलेस हो गया, साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट हो गया, तो कम पैसा या पैसा को बचा के रखना ताकि लॉस ना हो और संभाल के बैठना, राइट। फिर वापस ट्रेंडिंग आएगा, पैसा बना, तो आप सोच रहे हो कि हर महीने में इतना निकाल लूं, हर साल में इतना निकाल लूं या हर क्वार्टर में निकाल लूं, शायद नहीं होगा, लेकिन जब सीजन आता है तब पूरी तरह से दबा के पैसा बनाना, और यही चीज आप सीख रहे हो हमारे प्रोग्राम से। और बाय द वे मैंने अपनी टॉप बॉटम स्ट्रैटेजी को पूरा फ्री में रिवील किया है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लिंक में जाके। 15 अगस्त लास्ट दिन है 12.6 बैच ज्वाइन करने का, उसके बाद बैच बंद हो जाएगा और आपको फिर अगले बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको मेरी टॉप बॉटम स्ट्रैटेजी देखनी है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, चेक आउट द डिटेल्स एंड यू विल बी अमेज्ड कि कितना सिंपल स्ट्रैटेजी पैसा बना सकता है। सो गो एंड चेक आउट द टॉप बॉटम स्ट्रैटेजी, ज्वाइन द फ्री फेसबुक ग्रुप फॉर फ्री सपोर्ट ऑन कप एंड GFS फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड वेट फॉर द अमेजिंग अनाउंसमेंट। और अगर ये वीडियो में आपने सीखा कि कैसे प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए और पैसा बनाया PFC, REC, अपोलो टायर एग्जिट किया, तो मेक श्योर यू कमेंट एंड लेट मी नो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।